let's begin the dance competition. और इसके लिए मैं सबसे पहले भारत नगर के डांसिंग चैंपियन विमान को स्टेज पर बुलाना चाहता हूं। बस विवान, एक बार तुम इस झूमर के नीचे आ जाओ। ओ गॉड, मुझे तो डांस का डी भी नहीं आता है, कुछ तो करना होगा। देबू प्रिंसिपल अघाड़ी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्या इस कॉम्पिटिशन की ओपनिंग किसी और से करवा सकते हैं? क्यों विवान, डर गया क्या? डर गया? डांस कंपटीशन से पहले ही हार मान ली। विवान बेटा, तू तो कभी भी किसी चैलेंज से पीछे नहीं हटता, तो आज डांस ओपनिंग के लिए इतना क्यों घबरा रहा है? क्या हुआ तुझे? माँ वो क्या है ना कि पार्टी जब शुरू हुई ना तब मुझे बहुत प्यास लग रही थी, तो मैंने कुछ ज्यादा ही कोल्ड ड्रिंक पी ली, सो अभी मुझे बहुत जोर की आई है। मैं तो वहां तो अरे विवान, मिस ब्रिगेंजा, हर बार तू दूसरों के इशारों पे नाचता है, लेकिन आज तुझे नाचने का अच्छा मौका मिला है, क्यों ना इस मौके पे चौका मार दिया जाए। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, अगर विवान रेडी नहीं है तो डांस कंपटीशन की ओपनिंग मैं करता हूँ, आई मीन करती हूँ। मेरे तो अंग अंग में अदा है। ये ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ क्यों नहीं हो सकता, ये पूरी सजावट की है मैंने, ये पूरा खर्चा उठा है कॉलेज ने, तो पहला परफॉर्मेंस तो मैं ही दूंगी। देखिए आंटी जी। आंटी नहीं, कॉल मी ब्रिगेंजा। देखिए, आप इस पार्टी के होस्ट हो हाँ? और हम इस पार्टी के गेस्ट है हाँ? तो जब हमारे घर पर गेस्ट आते हम उन्हें पहले खाना खिलाते या खुद खाते है? पर मोंटू भैया, जब हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं हम तो पहले ही खाना खा जाते हैं। My God, how stupid this kid! नहीं नहीं, कुछ भी हो, पहले डांस हम करेंगे। हाँ। नहीं नहीं, पहले मैं नाचूंगी। अरे हम करेंगे। हम करेंगे। मैं। हम करेंगे। ओ, एक मिनट। अरे एक मिनट, उभर होने। एक सोलिड आइडिया आया हो। मैं क्या बोलती हूँ? आप लोग ना एक साथ में डांस कर लो। वो गेस्ट भी और होस्ट भी, बराबर ना? हाँ, ये आइडिया अच्छा है। अरे भैया, आपने हाँ क्यों बोला? अरे चिंटू, देख पार्टनर कोई भी हो, विनर तो हम दोनों ही है ना। हाँ मंटू भैया। सो स्कूल में लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला परफॉर्मेंस होगा मिस ब्रिगेंजा का। चलो। थैंक यू। विवान, विवान तुम कितनी देर से मुझे स्नोर कर रहे हो? आपका मतलब इग्नोर? हाँ हाँ वही वही। अब वो क्या ना, मुझे चश्मा नहीं, मतलब मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया मेरा चश्मा। देवकी आंटी। आंटी विवान, तुम मुझे मॉम बोलते हो, आंटी क्यों बोल रहे हो? और चश्मा तुम कहाँ पहनते हो? चश्मा तो देवू पहनता है। हाँ 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 हाँ, अरे वो मैं देवू, आई मीन मैं देवू भैया का ही चश्मा ढूंढ रहा था, इसलिए मैंने आपको नोटिस नहीं किया। अच्छा चश्मा बाद में ढूंढ लेना, चिंटू और मोंटू के बाद तुम्हें ही तो डांस करना है, सारे स्टेप्स याद है ना तुम्हें? मुझे बालपरी, मुझे लगता है शौर्य को आने में देर हो जाएगी, इसलिए मुझे अभी धरती लोक पर जाना चाहिए, उस कंपटीशन में भी तो पार्ट लेना है मुझे। अरे बालविया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं शौर्य का इंतजार कर रहा हूँ, वो दूसरे ग्रह पर गए हैं ना। लेकिन शौर्य तो वीरलोक में ही है। शौर्य तुमसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन लगता है कि अभी तक वो दूसरे ग्रह से लौटे नहीं है, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। क्या? अगर ये आकृति पूरी हो गई होती तो मुझे विवान से झूठ नहीं बोलना पड़ता। बालपरी, आप मेरी फिरकी ले रही है क्या? फिरकी? बालवीर, तुम ये विवान वाली भाषा क्यों बोल रहे हो? अरे बताइए ना बालपरी, ये सब क्या हो रहा है? ये
भालपरी अब बार बार वहां पर क्या दे? तो डीन मनीष का की इमेज है कॉलेज में, अब इनकी इमेज यहां पर क्यों बनी हुई है? यानी तुम इस आकृति को पहचानते हो विवान? हाँ। विवान? लेकिन बालपरी, ये तो बालवीर है। बालपरी, आपको पता था कि मैं देवू भैया नहीं, मैं विवान हूँ। मिस ब्रिगेंजा और उनके ग्रुप के इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद अब मैं विवान को स्टेज पर इनवाइट करना चाहता हूं। कहा हो तुम विवान? विवान, अब तो तुम्हारा नेचर्स कॉल भी आंसर हो गया होगा, इसलिए अब हमारा कॉल भी आंसर कर लो। हाँ विवान, कॉलेज मैनेजमेंट भी तुम्हारी परफॉर्मेंस देखना चाहता है। लेट हो जाएंगे, जल्दी चलो। अब कुछ नहीं, थैंक यू देवकी जी, आपने इसे ढूंढ लिया। विवान, तेरा नाम अनाउंस हो रहा है, चल ना, फिर हमें डांस भी करना है, चल। एक मिनट करो जी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, डांस आप दोनों का नहीं है, डांस हम दोनों का है। हमने रिहर्सल भी किए है ना विवान? रिहर्सल विवान ने मेरे साथ की है। विवान मेरे साथ डांस कर रहा है, विवान तू मेरे साथ डांस कर रहा है, चल। नहीं, विवान डांस मेरे साथ करने वाला है। अरे आपके साथ क्यों करेगा, मेरे साथ करेगा ना, मेरा बेटा है विवान। विवान तो मेरे साथ डांस करेगा। अरे लेकिन मुझे भी तो मॉम बोलता है, मॉम बेटी की जोड़ी ही डांस करेगी, है ना विवान? मॉम बोलता है ना, लेकिन माँ बेटी तो हम है। विवान मेरे साथ डांस करेगा, चल विवान। विवान मेरे साथ डांस करेगा। ना तो मैं विवान हूँ और ना ही मैंने आप दोनों के साथ पूर्व अभ्यास किया है। अगर हम मंच पर गए तो तालियां नहीं हंसी के गुब्बारे फूटेंगे। कहाँ गायब हो तुम? कितनी देर से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। याद है ना, हमें भी परफॉर्म करना है। गॉड नोज़ ये लड़की मुझसे सुपर ग्लू की तरह क्यों चिपकी हुई है। हेलो, कहाँ लॉस्ट हो गए? हम दोनों डांस पार्टनर्स, रिमेम्बर? ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर, डांस पार्टनर, यस। तो एक रिहर्सल कर ले। वैसे भी मैं सोच रही थी कि परफॉर्मेंस से पहले एक बार प्रैक्टिस करना तो इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि वो जो हमारा लास्ट वाला। हाँ, ये कहाँ गया? विवान डांस मेरे साथ करेगा। बोलो, नहीं सुनो, मेरे साथ डांस करेगा विवान देव। क्या, अरे इसे कैसे? अरे अरे अरे, करुणा बेन, ओ देव की बेन, करुणा बेन, अरे आप दोनों क्या कर रहे हो? मित्रों के तो आप तीनों मिलकर ना ग्रुप डांस कर लो ने? हैं? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ करो ना बेन, आप भी हाँ बोल दो ने। अबे ठीक है, चलो चल चल चलो चलो, देरी हो रही, चल चल चल, एक मिनट में आ जाऊँ। अरे अरे अरे, चल ना, क्या एक मिनट, चल। यानी देवो भैया मुझे शिंकाई वालों से बचाने के लिए खुद विवान बनकर पार्टी में चले गए। हाँ विवान, मैंने ही तुम्हारा जादू रोक रखा था ताकि तुम चाहकर भी बालवीर के शरीर से बाहर ना निकल सको, और अब मैं तुम्हें मुक्त करती हूँ। लेकिन बालपरी, देवो भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी तक तो उन्हें बालवीर की सारी शक्तियां भी नहीं मिली और वो अकेले इतना बड़ा रश लेने का है। विवान, परेशान होने से तो अच्छा है कि हम वहां जाकर उसकी मदद करें। यू आर राइट बालपरी, और अपना हमें ये भी पता चल चुका है कि डीन मलेशका का शिंकाई वालों से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। डांस करने का बहुत शौक है ब्रिगेंजा, पूरा काम बिगाड़ दिया था। च-
चलो यहां से। बालपरी, तीन मनुष्य का तो कहीं भी नजर नहीं आ रही है, मैं उधर ढूंढता हूँ। लीडियम, जैसे डिवाइस विवान पे गिरेगा मैं ऑडी की लाइट ऑफ कर दूंगा। जिस पर दो माओं का आशीर्वाद, उसे कौन हरा सकता है। ये कैसे पॉसिबल है? मैंने तो रस्सी काट दी थी, ये डिवाइस नीचे क्यों नहीं गिरा? ये रस्सी वापस कैसे जुड़ गई? इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास रूप बदलने की ताकत नहीं, बल्कि एक वक्त में अलग अलग रूप लेने की शक्तियाँ भी है। डीन मलेश का रूप तो आपके भी अनेक है, क्योंकि एक तरफ आप कॉलेज में डीन बनकर घूम रही थी तो दूसरी तरफ आप भारत नगर में रेत बिछा रही थी। बालपरी, मैं अभी देवू भैया को लेकर आता हूँ, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि जिसे ढूंढने के लिए उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया वो शिंकाई की जासूस हमें मिल चुकी। स्वामी के चाहते और नहीं खा सकता मैं, मुझे कहीं छुपना होगा, कहां छुपूं? पिछली बार तुम लोगों ने अपना सुराग छिपा लिया था, लेकिन इस बार चूक गए। अपनी ही बिछाई हुई रेत की वजह से तुम पकड़ी गई हो। स्वामी, स्वामी! इतनी देर हो गई, अब मुझे बड़ी माँ से पूछ लेना चाहिए कि वीरलोक में सब कुछ ठीक है या नहीं। तुम्हारा राज खुल चुका है देवू, मैं तो विवान हूँ, आप मुझे देवू क्यों बुला रही है? ये देखो मैं विवान हूँ। अगर तुम विवान हो तो फिर मैं कौन हूँ? देवू भैया, विवान, विवान तुम यहाँ क्यों आए हो? आपको वापस देवू भैया बनाने। अरे लेकिन विवान, तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर कितना ज्यादा खतरा है, इसलिए प्लीज। भैया, बालपरी ने मुझे सब समझा दिया एंड आई एम वेरी प्राउड कि मेरा स्टूडेंट इतना हिम्मत वाला है कि शिंकाई वालों से अकेले लड़ने आ गया। पर विवान यहाँ पे। भैया फिकर नॉट, एंड शिंकाई का जासूस भी पकड़ा जा चुका है। Really? Yes. चलिए मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, चलो। मिस्टर बी, ये विवान हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। लेडी एम ने शैंडेलियर की रस्सी काटी भी, वो नीचे भी आया लेकिन विवान पर नहीं गिरा। ये कैसे संभव है? I don't know, मिस्टर बी। मैं वही चेक करने आया और लेडी एम भी मिसिंग है। mm-hmm.
पहेली अजीब सी होती जा रही है। स्वामी, स्वामी, ये पहेली नहीं है, ये दुर्घटना है जो सुंदरी जी के साथ घट गई है। क्या बकवास कर रहे हो ब्रिगेंजा? काश मैं बकवास कर रही होती, आई मीन कर रहा होता, लेकिन ये सच है स्वामी। विवान ने सुंदर जी को कैद करके रखा। दीन मलिश का ये है सिंगाई की जासूस। मतलब जहर हमारे सामने ही था, हम पहचान नहीं पा रहे थे। क्योंकि तुम लोग बेवकूफ हो। बेवकूफ नहीं डीन मलिश्का, बल्कि हम अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए तो आपकी कैबिन तक पहुंचने के बाद भी हमने आपकी बातों पर ट्रस्ट किया और हम वापस लौट गए। हाँ, वरना हम आपको तो कब का पकड़ चुके होते। मेरी सलाह मानो, पीछे हट जाओ, क्योंकि तुम लोग नहीं जानते कि तुम किस से उलझ रहे हो। और आपको नहीं पता कि आप किस से उलझ रही हैं। आप कुछ आइडिया हुआ? दिल से बुलाया बालवीर आए। मैं हूँ सीनियर बालवीर। और मैं जूनियर बालवीर। यानी रे को प्लाज्मा देने के लिए हमारे पास एक नहीं, दो महाताकतवर के ऑप्शन है। मलिश्का, अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि हम सब कौन है। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमें साफ साफ बता दो कि तुम्हारे साथ और कौन कौन है। मेरा मुंह खुलवाना इतना आसान नहीं है। अच्छा, तो आप मेरी सलाह मानिए, आप है ना शिंगाई के किसी गड्ढे में जाकर छुप जाइए, और रे रे तुम है ना रे तुम किसी अंडे में जाके शरण ले लो, क्योंकि वो लोग सुंदर जी को टॉर्चर करके उनसे सब उगरवा लेंगे। हाँ।